नमस्कार मित्रों, एग्री अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लहसुन की उन्नत खेती कैसे करें इसके संबंध में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, लहसुन कंदवली ये सब्जियों में लहसुन का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर प्याज है। इसे खाए जाने वाला भाग शलकंद या क्रोप कहलाता है। लहसुन एक वर्षीय शाकीय पौधा है और ये एलिएसी एमाइलिडेसी कुल का पौधा है। पुरानी फैमिलीज की एमाइलिडेसी थी, इस समय एलिएसी के नाम से जाना जा रहा है। इसकी खेती भारत, चीन, कोरिया, अमेरिका, स्पेन, इंडोनेशिया, मिस्र, थाईलैंड, तुर्की आदि देशों में की जाती है। भारतवर्ष में लहसुन की खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा आदि में की जाती है। इसके अनेकों पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें औषधीय गुणों से भरपूर फसल होती है। लहसुन में जीवाणु, कवक, विषाणुओं से लड़ने की विशेष क्षमता होती है। पेट के विकारों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कैप्सूल भी बनाए जाते हैं, जो हार्ट की बीमारियों में, फेफड़ों के रोगों में, बद्धता में, कैंसर रोगों में अत्यंत लाभकारी हैं। निर्यात करने वाले देशों में चीन, स्पेन, अर्जेंटीना, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली, चिली, मिस्र प्रमुख देश हैं। और इसका निर्यात हमारे देश से अफ्रीकी देशों में ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान इत्यादि में हो रहा है। इसका उपयोग मसाले, पाउडर, करी पत्ता, अचार, टोमेटो केचप, हरी पत्तियों की चटनी के रूप में, दवाओं के रूप में किया जाता है। वानस्पति विवरण के हिसाब से इसका वानस्पति नाम एलियम सैटाइवम, कुल इसकी एलिएसी, और इसमें गुणसूत्र या क्रोमोजोम 16 होते हैं। और इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया और दक्षिणी यूरोप के समुद्र तटीय क्षेत्रों से हुई है। लहसुन या गार्लिक की उत्पत्ति दो शब्द मिलकर हुई है। पहला गार, काल का मतलब होता है स्पीयर, और लिंक का मतलब होता है हर्ब। तो लहसुन प्याज के बाद एलिएसी फैमिली का दूसरा महत्वपूर्ण फसल है। यह शीतकालीन फसल है। इसकी मसाले भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए की जाती है, और इसमें विभिन्न विकृतियां आदमी में हो जाती हैं, उसके घरेलू उपचार में किया जाता है। जैसे कि सर्दी के समय पर बच्चों को सर्दी लग जाती है, तो इसको तेल में जला करके और उसकी मालिश की जाती है, जिससे सर्दी जुकाम दूर होती है। निर्यात करके इससे हम विदेशी मुद्रा कमाते हैं। उत्पत्ति और स्थान के मध्य एशिया में पाए जाने वाले जंगली पौधे एलियम लॉन्गी कुश कुश के नाम से जो पौधा जंगली पौधा था, उससे इसकी उत्पत्ति हुई। मध्य एशिया से समुद्र तटीय क्षेत्रों में करीब 3000 ईसा पूर्व पाया गया। वहाँ से मिस्र, मिस्र से रोमन ग्रीक में पहुँचा, और वहाँ से फिर स्पेनिश और पुर्तगालियों के द्वारा फ्रांस और चीन में पहुंचाया गया। 16वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में इसका उपयोग श्रमिकों द्वारा किया जाता था। तेज गंध के कारण अधिकांश लोग इसे खाना पसंद नहीं करते थे। इसमें एलाइल प्रोपाइड ट्राइसल्फाइड के कारण तीखी गंध होती है। प्राचीन साहित्य बाइबिल और कुरान में इसका वर्णन मिलता है कि गरीब श्रमिकों को इसे मजदूरी के रूप में दिया जाता था। यह हृदय रोग से बचाव करता है। मिस्र के पिरामिडों में 3000 ईसा पूर्व के कला चित्रों में इसको दर्शाया गया है। प्राचीन काल में ईश्वर पूजा हेतु जिस तरह से हम लोग पुष्पों चढ़ाते हैं, उसी तरह से वो लोग लहसुन को चढ़ाया करते थे। लहसुन का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। भारतवर्ष में प्राचीन साहित्य संस्कृत भाषा के धर्मसूत्र 1800 से 200 ईसा पूर्व में लहसुन और प्याज के बारे में औषधीय गुणों की व्याख्या की गई है। चरक संहिता में चरक द्वारा प्याज और लहसुन के अनेक औषधीय गुणों का उल्लेख किया गया है। इसका उपयोग हृदय रोगों, पेट रोगों, पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए, आँखों के रोगों में, जोड़ों के दर्द और मूत्र रोगों में विशेष रूप से यह औषधि के रूप में लाभदायक है। लहसुन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यौगिक रसायन वाष्पशील इसमें 0.01%, डाईएलाइल डाईसल्फाइड 60%, डाईएलाइल ट्राइसल्फाइड 20%, एलाइल प्रोपाइल डाईसल्फाइड 6%। इसके अलावा डाईइथाइल डाईसल्फाइड सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, और डाईइथाइल पॉलीसल्फाइड भी सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। डाईएलाइल डाईसल्फाइड महक इसके द्वारा होती है। इसमें एलिसिन होता है, जो एलिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एलिसिन में कन्वर्ट हो जाता है, और एलिसिन की वजह से इसमें तीखी तेज गंध होती है। पोषक तत्वों के हिसाब से प्रति 100 ग्राम ताज़े लहसुन में, इस टेबल में दिखाया गया ताज़ा और शुष्क दोनों में, तो इसमें 145 किलो ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसमें 62.8%
जल पाया जाता है, 29% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन 6.3% के अलावा इसमें पोषक तत्व मिनरल पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिसमें विटामिन ए 0.40 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन बी 16 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाई जाती है, विटामिन सी 13 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाई जाती है। इस प्रकार से यह पोषक तत्वों के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है और इसमें मैग्नीशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा 71 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाई जाती है। इसके अतिरिक्त सूखे में अगर देखते हैं तो इसमें जल 71.4% कार्बोज पाया जाता है और जल की मात्रा 5.2, प्रोटीन 17.5%, इसके अलावा ये टेबल दी गई है। इसमें सोडियम, जिंक, क्रोमियम ये पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसके अलावा कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। संसार में लहसुन उगाने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन समझिए, चीन का प्रथम स्थान है, भारत इसमें दूसरे स्थान पर दिया गया है, दक्षिणी कोरिया, बांग्लादेश, मिस्र, रूस, म्यांमार, यूक्रेन, स्पेन, ये NHB अप्रैल 2017 का डेटा है। लहसुन के सलकंदों का उपयोग चटनी, मसाले, सॉस, अचार, मांस मछली को स्वादिष्ट बनाने के लिए, औषधीय गुणों में के लिए निर्यात इसका किया जाता है, उद्योगों में काम आता है और इसके अलावा इसका परिरक्षण भी किया जाता है। औषधीय गुणों में प्राकृतिक एंटीबायोटिक होने के कारण महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में इसका प्रमुख उल्लेख है, कान दर्द में इसका रस गर्म करके डालने पर कान दर्द ठीक होता है, इसका रस बर तथैया बिच्छू के डंक मारने पर उसमें लगाने पर उसमें फायदा मिलता है, गठिया के रोगों में, TB रोगों में, बंधिता या स्टेलिटी में, कफ रोगों में, श्वास रोगों में, बांझपन, स्टेलिटी, सर्दियों में तेल के साथ गर्म करके इसको मालिश करने का मतलब पाचन क्रियाओं को भूख को बढ़ाने के में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जननांग को सुचारू रूप से गतिशील बनाने में इसका उपयोग होता है, त्वचा रोगों में सरसों के तेल के साथ इसका मिलाकर मालिश करने से फायदा होता है और आँखों के रोगों में ज्योति बढ़ाने में लहसुन का प्रमुख योगदान है। भारत और इसमें लहसुन का क्षेत्र पर उत्पादन और उत्पादकता इस टेबल में दी गई है। 2011-12 में 242,000 हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती की गई, जिससे 1,228,000 टन उत्पादन हुआ और उत्पादकता 5.1 थी, जो 2015-16 में बढ़कर 261,000 हेक्टेयर में क्षेत्रफल और 1,400,000 टन उत्पादन हुआ, जिसकी उत्पादकता 5.36 टन प्रति हेक्टेयर पाई गई। लहसुन उगाने वाले प्रमुख राज्यों में मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का मुख्य स्थान है। शीतोष्ण से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक इसकी खेती की जाती है और पौधों की वृद्धि और विकास हेतु ठंडी जलवायु और छोटे दिनों की आवश्यकता पड़ती है पौधे की वृद्धि के लिए और कंद बनने के लिए इसको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। पाले से फसल को विशेष हानि नहीं होती है। वृद्धि और विकास के लिए 7.2 से लेकर 29.4 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि सलकंद बनने के लिए 12.8 से 21 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। औसतन अनुकूल ताप 55 से 70 डिग्री फारेनहाइट उपयुक्त होता है, निम्न तापमान 45 डिग्री फारेनहाइट और अधिकतम तापमान 85 डिग्री फारेनहाइट इसके लिए रिकमेंडेड किया गया है और औसतन 12 घंटे धूप एवं 70% आर्द्रता वातावरण में होनी चाहिए। सलकंद की प्रवृत्ता हेतु लंबे दिवस और उच्च तापमान की आवश्यकता हो प्लस सूखा मौसम होना चाहिए तो उसमें फसल इसकी अच्छी होती है और कंद सुचारू रूप से अच्छे उत्पन्न होते हैं। इसकी खेती सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, जल निकास उचित व्यवस्था होनी चाहिए, भूमि में पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए, मृदा हल्की और दोमट भूमि जिसका pH मान 5 से 7 के मध्य हो अच्छी मानी जाती है। भारी भूमि में इसकी खेती हम कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें हम गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद का पर्याप्त उपयोग करें। भारी भूमि में नमी अधिक होने के कारण कंदों के सड़ने की संभावना रहती है और पौधों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है, पौधा कमज़ोर और छोटा और कंद छोटा रह जाता है, इसलिए इसकी खेती भारी भूमि में
नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक खाद और उर्वरक की बात है तो मिट्टी की जांच के पश्चात ही परिणामों के अनुसार खाद और उर्वरक लहसुन में देना चाहिए। सामान्य मृदाओं में जहाँ पर आप मिट्टी नहीं जांच कराए हैं वहाँ पर गोबर की खाद 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए, जो कि रुपाई पुत्ती या शलकंदों की रुपाई से 20-25 दिन पहले खेत में डालनी चाहिए, और नत्रजन 75 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाली जाती है, फास्फोरस 50 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटाश 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आधी नाइट्रोजन और संपूर्ण फास्फोरस पोटाश खेत की अंतिम जुताई के समय पर खेत में डाल देनी चाहिए। और कहीं कहीं पर जो इसकी खेती करते हैं वहाँ पर इसकी रिकमेंडेशन 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस एंड 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर दी गई है। और यदि फिर भी पौधे कमज़ोर होते हैं, पीले दिखाई देते हैं, तो 1% से 2% यूरिया का छिड़काव पौधे की अवस्था के अनुसार इसको किया जा सकता है और उससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। प्रजाति के प्रकार अगर देखा जाए तो लहसुन की प्रजातियाँ 3 प्रकार की होती है। एक ऐसी प्रजाति है जिसमें कि लहसुन केवल एक ही कंद शलकंद होता है, एक कंदी बोलते हैं। इसकी भंडार क्षमता बहुत कम होती है, उपयोग इसका मुख्यतः पाउडर और दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। दूसरे प्रकार का होता है जिसमें 2 या 3 फांके या पुत्तियाँ पाई जाती हैं, और इनमें 2-3 फांके ही होती हैं। इनकी भंडार क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है और इनका उपयोग दवाओं में और पाउडर बनाने में किया जाता है। और तीसरे प्रकार के ऐसे लहसुन के शलकंद पाए जाते हैं जिसमें अधिक फांके या पुत्तियाँ पाई जाती हैं, क्लोव्स, और एक शलकंद में कम से कम 15 से 20 क्लोव्स पाए जाते हैं, और ये व्यवहारिक स्तर पर इसकी खेती की जाती है। इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है और एक शल की कंद से 15 से 20 पौधे तैयार हो जाते हैं। इसका उपयोग मसाले, अचार, चटनी आदि रूपों में किया जाता है। इसमें कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, बहुपुत्ती, इसका रवि, शीतकालीन जिसमें पंत, लोहित, एग्री फाउंड, वाइट। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लहसुन की जो प्रजातियाँ होती हैं कलर के हिसाब से 2 प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसा लहसुन जो सफ़ेद रंग का होता है, और एक ऐसा लहसुन जिसमें शलकंद हल्के गुलाबी या हल्के पर्पल कलर के होते हैं और सफ़ेद रंग मिला हुआ। इसके अलावा ये बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जिसमें पंत, लोहित, एग्री फाउंड, वाइट, जिसको G41 के नाम से टेस्ट किया गया, यमुना सफ़ेद 1, यमुना सफ़ेद 2, यमुना सफ़ेद 3, यमुना सफ़ेद 4, एग्री फाउंड पार्वती, एक पुत्ती वालों में सोलन। इसके अलावा मैक्सिकन, ये सफ़ेद कदनों वाली है, क्रियोल, ताहिती, सिल्वर वाइट, सिल्वर स्क्रीन, पिंक रेड, इटालियन, मद्रासी, पर्पल इटालियन, पर्पल स्ट्रिप, एशियन रेड, रोज वुड, सिल्वर रोज, रोमानिया रेड, स्पेनिश रोजा, पंजाब का इकनालिया, T56, दक्षिण भारत में फावारी, राजाली गद्दी, गुजरात में जामनगर लोगर आदि। इस प्रकार से कुछ स्थानीय प्रजातियाँ भी जगह जगह पर इसकी प्रचलित हैं और किसान लोग इसकी खेती करते रहते हैं। लेकिन अच्छी फसल के लिए हमको पंत लोहित, एग्रीफाउंड वाइट, यमुना सफ़ेद, यमुना सफ़ेद 3, 4, एग्रीफाउंड पार्वती, ऐसी प्रजातियों का चुनाव करके उनकी खेती करनी चाहिए। विभिन्न राज्यों में क्लोवर पुत्ती बोने का समय अलग अलग है। इनकी रुपाई, क्योंकि ये बीज नहीं है, इसका प्रोपोगेशन वेजिटेटिव होता है। इसमें आंध्र प्रदेश में अगस्त से अक्टूबर तक, मध्य प्रदेश में अगस्त से अक्टूबर, महाराष्ट्र में अगस्त से अक्टूबर, कर्नाटक में अगस्त से अक्टूबर, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में सितंबर से नवंबर तक, और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च अप्रैल में इसकी बुवाई की जाती है शलकंदों की। उत्तर भारत के तराई क्षेत्रों में अक्टूबर से नवंबर तक, और पश्चिम बंगाल में अक्टूबर नवंबर में इसकी रुपाई करते हैं। उड़ीसा और गुजरात में अक्टूबर और नवंबर में शलकंदों की जो पुत्तियाँ होती हैं उनकी रुपाई की जाती है। क्लोव या पुत्ती बोने का रोपण का समय सितंबर अक्टूबर में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में किया जाता है। अगस्त से नवंबर तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात में किया जाता है, और अक्टूबर से नवंबर तक आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में किया जाता है। मार्च अप्रैल में पहाड़ी क्षेत्र उत्तर भारत के, और अक्टूबर नवंबर में तराई, भावर और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी बुवाई की जाती है। पुत्ती बुवानी की विधि, इसको कई रूपों में बोया जा सकता है। समतल खेत में बो सकते हैं, कुंड बना करके बो सकते हैं, डिबलर विधि से बो सकते हैं, और कहीं कहीं पर जहाँ खेत काफ़ी समय तक गीले रहते हैं
और फसल खड़ी रहती हैं तो इसको बिखेर कर भी बोया जाता है। लेकिन इन समय में समतल विधि या कूण विधि और डिबलर विधि ये अच्छी विधि पाई गई है और किसान भाइयों को अच्छी पैदावार लेने के लिए कतारों में कूण विधि के द्वारा या समतल खेत में बोना चाहिए। शलकंद की मात्रा उपचार एवं क्रोपुत्ती रोपण दूरी पर निर्भर करती है। शलकंदों की मात्रा 350 किलोग्राम से लेकर 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ये उनके आकार पर निर्भर करती है। आकार अगर छोटा है तो मात्रा ज़्यादा लगी, आकार अगर बड़ा है तो उसकी मात्रा कम लगेगी। और इसको बोने से पहले कवकनाशी दवा से उपचारित करके तब बोना चाहिए। और इनकी दूरी कतार से कतार 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है और क्लोव से क्लोव या पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर प्याज के समान रखी जाती है। प्याज की भांति ही खरपतवार नियंत्रण के लिए इसमें एक या दो प्याज के समान ही निराई गुड़ाई करें और खरपतवार नाशी दवा लाशों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप लार्ज स्केल पर खेती कर रहे हैं तो कंद बोने से बाद आप 1.5 किलो दवा, 2.5 किलो ग्राम सक्रिय अवयव या 5 लीटर 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके उगने से पहले इसका छिड़काव कर देते हैं और उसके बाद 30-35 दिन तक कोई निराई गुड़ाई नहीं की जाती। 40-45 दिन 45 दिन के बाद आप एक हल्की गुड़ाई खरपतवारों को उगने के बाद कर सकते हैं। इसमें हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सिंचाई की आवश्यकता एक सिंचाई पलेवा के रूप में करनी चाहिए। अगर खेत में नमी नहीं है तो एक पलेवा के रूप में सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। प्याज के समान इसको 15 एकड़ इंच पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें 30 सेंटीमीटर गहराई तक जमीन में जाती हैं। मृदा और मौसम के अनुसार इसकी सिंचाई की जाती है। प्रथम सिंचाई पलेवा के रूप में करनी चाहिए और शीतकाल में इसके 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जाती है। ग्रीष्मकाल में प्रत्येक सप्ताह में इसकी सिंचाई करनी चाहिए। रवि या शीतकाल में सिंचाइयों की संख्या 12 से 15 की आवश्यकता पड़ती है जो 10 से 11 दिन के अंतराल पर की जाती है और ग्रीष्मकाल में 15 से 20 दिन की अवस्था की सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है जिनको कि हम 7 से 8 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। अब यह सब पाया गया है कि यदि हम इनको बोने के बाद पलवार के रूप में काली पॉलीथीन कहाँ से या गन्ने की सूखी पत्ती अथवा बुरादे का प्रयोग करते हैं तो इससे पैदावार में काफ़ी वृद्धि होती है क्योंकि आप जानते हैं कि पॉलीथीन के डालने से एक तो नमी संचित रहती है, दूसरे खरपतवार नहीं होते हैं और तीसरी मृदा उसमें ढकी रहती है तो पानी का ह्रास नहीं होता है, एवापोरेशन क्रिया नहीं होती है और इससे पैदावार में बढ़ोतरी होती है 15 से 20%। और इसमें काली पॉलीथीन कांस और गन्ने की सूखी पत्ती अच्छे पैदावार के रूप में पाए गए हैं। वृद्धि नियामकों के रूप में वृद्धि नियामकों का उपयोग भी कर सकते हैं जिसके लिए वृद्धि पौधों के विकास के लिए ग्रोथ या हार्मोन्स जो होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है जिसमें GA3 250 ppm का घोल बना करके उसमें कंदों को डुबो करके रखा जाता है और उसके बाद फिर इसकी उपाय की जाती है तो इनका अंकुरण अच्छा होता है। इसी तरह से CCC साइकोसिल 100 ppm का घोल बना करके शलकंदों को 24 घंटे भिगोया जाए उसके बाद बुआई करते हैं तो उनका अंकुरण अच्छा होता है और उसमें उपज में वृद्धि होती है। यदि छिड़काव आप करना चाहते हैं तो छिड़काव के लिए 60 दिन और 90 दिन की अवस्था पर 2 छिड़काव कर सकते हैं। इसमें NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 50 से 80 ppm का घोल बना करके उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। साइकोसिल का 100 ppm का छिड़काव कर सकते हैं। इथरल 50 ppm का छिड़काव कर सकते हैं और IAA इंडोल एसिटिक एसिड 10 से 20 ppm का घोल बना करके उसका छिड़काव 60 दिन की अवस्था पर और 90 दिन की अवस्था पर खड़ी फसल में आप कर सकते हैं। इसके अलावा कंदों को खोदने से पूर्व भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 2500 ppm मैलिक हाइड्राइड का छिड़काव कर सकते हैं और ये छिड़काव कंद खुदाई से 15 दिन प्याज के समान 15 दिन पहले कर दिया जाता है तो इससे भंडारण करते समय उनमें अंकुरण जल्दी नहीं होता है और उनके भंडारण क्षमता कंदों की बढ़ जाती है। अब बात आती है खुदाई की तो खुदाई इसकी प्रजाति मौसम जलवायु और मृदा के अनुसार की जाती है। पत्तियां जब पीली होने हल्की भूरी हो जाए मुरझाने की अवस्था पर आ जाए तो उसका ऊपरी भाग मुरझाना शुरू कर देता है और ये इसमें 130 से 150 दिन में फसल तैयार हो जाती है तो उसके अनुसार आप इसकी खुदाई कर सकते हैं। और खुदाई करने से पहले सिंचाई आप जो है बंद कर दें 8 दिन पहले और उसके बाद जब भूमि पूरी तरह से सूख जाए उसके बाद खुदाई करें। खुदाई करने के बाद कंदों का बंडल बनाएं और बंडल बनाने से पूर्व उनका चयन करके जो भी कटे फटे कंद हैं उनको निकाल के बाहर कर दें और बाकी अच्छे और स्वस्थ कंदों का छांट करके उनको एक
बंडल बनाए और बंडल को सुतली से बांध करके और उनको टांगने, जो आपके वातानुकूल ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हवा का आवागमन संचार ठीक से होता रहता है, वहाँ पर इनको किसी लकड़ी के पोल की सहायता से या छतों में लटका कर इसको भंडारण किया जा सकता है। और इससे पहले जब आप खोद लेते हैं, खोदने के बाद क्योंकि इसमें ऊष्मा बहुत अधिक होती है, जिसे फील्ड हीट कहते हैं, और उसके बाद क्योरिंग किया जाता है, छाया में इनको 7-8 दिन के लिए सुखाया जाता है। जब उसकी नमी बिल्कुल कम हो जाती है, आवश्यकता से अधिक जो नमी है वो निकल जाती है, और उसके बाद क्योरिंग के पश्चात इनकी भंडारण करते हैं तो उसकी भंडारण क्षमता बढ़ जाती है और उनको लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं। अब कदमों की पैदावार प्रजाति के ऊपर निर्भर करती है, आपने कौन सी क्रियाएं समय से की हैं, खाद समय से डाला है कि नहीं डाला है, खरपतवार आपने समय से निकाले हैं कि नहीं निकाले, इन सब बातों पर पैदावार निकाल गया। औसतन 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार सल्ट कदमों के रूप में प्राप्त होती है, और कुछ प्रजातियों में इसकी पैदावार 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी प्रयोगों में पाई गई है। अब बात आती है शकरकंद का भंडारण। तो शकरकंद भंडारण करने के बाद जब कंदों का आप चयन कर लेते हैं और बंडल बना लेते हैं, तो हवादार खुले और छाया स्थानों में सुखाएं। शकरकंद को पूरी तरह सूखने के पश्चात झोंपड़ी में या कमरे में साधारण ताप पर आप 6 से 8 महीने तक रख सकते हैं। भंडारण के समय कंदों में नमी प्रतिशत 10% से कम, अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। बीमारियों में काली रूसी और जड़ों की वृद्धि होना बहुत ही इसके लिए नुकसानदायक होती है, तो इस तरह से जो ग्रसित कंदों हैं उनको दूर कर देना चाहिए। शीत भंडार गृह में 0 से 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 60 से 65 आर्द्रता होने पर इसको हम भंडार कर सकते हैं। शकरकंदों की खुलाई से 3 सप्ताह पहले मैलिक हाइड्राजाइड 2500 ppm से 300 ppm का घोल बना करके इसका छिड़काव खड़ी फसल पर कर सकते हैं, जिससे भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। सामान्य ताप पर ठंडा और सूखा वातावरण एवं हवादार खुला स्थान इसकी भंडारण के लिए उपयुक्त होता है, और मैलिक हाइड्राजाइड जैसे मैंने आपको बताया इसका छिड़काव कर सकते हैं और भंडार घर में इसको भंडार कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से प्रमुख रोग लगते हैं, इसमें पर्ण धब्बा, बैंगनी धब्बा, सीड ब्लाइट, काली रूसी, ये कुछ भी मुख्य इसके प्रमुख रोग हैं जिनका नियंत्रण आप प्याज के समान, प्याज के समय मैंने बताया था पर्ण धब्बा, इसमें डायथेनम 45.25% का घोल बना करके और उसके साथ में कोई भी स्टिकर या सेंडोविट मिला लें, सेंडोविट नहीं मिलता है तो 2 से 3 ग्राम साबुन का चूरा मिला करके और उसके बाद उसका छिड़काव करते हैं तो आप फसल को बचा सकते हैं। उसके अलावा बैंगनी धब्बा, इसके लिए आप ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जिसमें कि ये रोग नहीं लगता हो, और उसके बाद जब रोग आ ही जाता है तो उसमें आप इसके लिए फसल चक्र का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जिस खेत में आपने पहले ये लहसुन की खेती की है उसमें बैंगनी धब्बा पुनः लग जाएगा, ऐसे उस खेत का चुनाव न करें, दूसरे खेत में इसकी खेती करें। और पर्ण धब्बा आने से पूर्व आप डायथेनम 45 के साथ 0.25% का चूरा साबुन का मिला करके उसके अगर छिड़काव करते हैं तो आप इस रोग से बचा सकते हैं। तो इसमें एक छिड़काव आप डायथेनम 45 से करें, उसके बाद दूसरा छिड़काव रेडोमिल का करें 0.25% का घोल बना के, तो आप इस तरह से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। इस तरह से सीड ब्लाइट है, इसको रोकने के लिए आप कापराक्सी क्लोराइड का छिड़काव कर सकते हैं। कम से कम 3 साल का फसल चक्र आपको अपनाना चाहिए तब आप इस बीमारी से बचा सकते हैं। काली रूसी ये भंडारण में लगती है, इसमें जो आपके श्वेत कलर वाले जो शकरकंद होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है, तो इस समय जब आप इनको भंडार करते हैं तो उस समय उसमें बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए और इनकी क्योरिंग ठीक से होनी चाहिए। छाया में कंदों को सुखाएं और सुखाने के पश्चात ही इनका भंडार करें तो आप इस रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। पर्पल ब्लॉच आर्टेरिया पोरी के द्वारा होता है, इसे मैंगो जेब जैसे मैंने आपको बताया इसको कर सकते हैं। स्टेम फाइलम ब्लाइट, यह स्टेम फाइलम वेसिकेरियम के द्वारा होता है, एक कवक नाम है, इसके लिए आप जनेब एक बार छिड़काव और दूसरी बार कापराक्सी क्लोराइड का छिड़काव 0.25% का घोल बना के कर सकते हैं। उसके बाद सर्कुलर स्पॉट होता है, इसमें सर्कोस्पोरा 2D के नाम से ये कवक द्वारा होता है, इसकी रोकथाम के लिए आप जनेब का छिड़काव कर सकते हैं। टूरिल आसिता ये बीज वाली फसल में ज़्यादा नुकसान करती है, इसमें एरीसाइफी या लेवे लुटाटा उसी का के
के द्वारा ये फैलता है, और इसमें कैराथेन या सल्फर चूर्ण का पाउडर बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन सल्फर चूर्ण का पाउडर तब करेंगे जब वातावरण का तापमान आपका 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो। यदि तापमान आपका 30 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है तो आपको कैराथेन दवा का छिड़काव 0.06% का, यानी कि 6 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो आप अपनी फसल को चूर्ण आर्द्रता से बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें मृद रोमिल आर्द्रता या फफूंदी लगती है जो पेरेनोस्पोरा के द्वारा होती है। इसमें आप प्रारंभ में ही लक्षणों को देखते हुए इसमें पौधे मुरझाए हुए से लगते हैं और पौधों के ऊपर हल्की हल्की धारियाँ या हल्के नाइट्रोजन के जैसे धब्बे आते हैं जिसमें हल्का पीलापन होता है। उसके रोकथाम के लिए आप जिनेब का छिड़काव कर सकते हैं। व्हाइट रॉट ये स्क्लेरोसियम सेपीवोरम के द्वारा होता है। इसमें PCNB पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन 40% का छिड़काव कर सकते हैं, और कम से कम 3 साल का फसल से अपना करके खेती करेंगे तो इस बीमारी से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। और पुत्ती जब आप बोते हैं क्लोब्स को तो उसमें 0.1% का घोल बना करके उसका बेवस्टीन का छिड़काव होगी, और उसके बेवस्टीन के घोल से इसको सरकंदों को उपचार करें, उसके बाद तस्वीर उनकी बुआई करें तो ये रोग कम लगता है। प्रमुख कीड़ों में माहू माइट निमेटोड थ्रिप्स और कैटरपिलर लगते हैं। तो माहू से जैसे आप जानते हैं कि कोई भी मेलाथियन दवा लेकर के 0.1% का घोल छिड़का सकते हैं, या सिंपल आप सर्फ पाउडर 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर घोल पानी में घोल करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। माइट के लिए आप कैलामाइट या मेटासिस्टा 0.1% का घोल बना करके उसका छिड़काव 15 दिन के अंतर से करते हैं तो इससे आपको फसल को बचा सकते हैं। निमेटोड से बचाने के लिए आप नीमैक्स नीमिगॉन या नीम की खली का छिड़काव ये खेत में डालें 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से नीमैक्स का प्रयोग कर सकते हैं, या लकड़ी का बुराला 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से डालते हैं तो निमेटोड से अपनी फसल को बचा सकते हैं। थ्रिप्स बहुत ही छोटे और सुई के नोक के बराबर के आकार के कीड़े होते हैं जो कि पौधे के तने और पत्ती के जो सीत होता है उसमें रहते हैं। इससे बचाव के लिए आपको लाइथेनम 45 और उसके साथ में मेटासिस्टा या रोगर दवा या एमिडा क्लोरपीड 0.1% का घोल बना करके इसका छिड़काव करते हैं तो इससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। कैटरपिलर का जैसे मैंने प्याज या दूसरी फसलों के बारे में बताया है, इनसे बचाव के लिए आप मेड़ों के चारों तरफ इसको रोकना है, आपको कैटरपिलर आए नहीं खेत में आपके तो चारों तरफ नाली बना लें और उसमें पानी भर दें, या मेड़ों पर आप कोई भी कीटनाशी दवा जिसमें कि आपकी हेप्टाक्लोर दूर BSA दूर या DDT डाल करके इन कैटरपिलर को रोक सकते हैं, क्योंकि छिड़काव के द्वारा ये कैटरपिलर समाप्त नहीं होता है, केवल उसका रास्ता आपको रोकना है। जो फसल नज़दीक में है पॉपुलर का खेत नहीं होना चाहिए या दूसरे कोई वृक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे खेतों से खेत में आपके फसल में आ जाते हैं। अब इसके बाद बताना चाहूँगा मैं आपको कि इसमें कौन सी विकृतियाँ भी पाई जाती हैं। स्प्राउटिंग ऑफ बल्ब्स इन द फील्ड, खुदाई से पूर्व ही कुछ कंदों में या क्लोब्स में अंकुरण हो जाता है, स्प्राउटिंग हो जाती है, और ये अधिक नमी और अधिक नाइट्रोजन की वजह से होता है। तो इससे बचाव के लिए है कि आप प्रॉपर नाइट्रोजन की मात्रा का प्रयोग करें और खेत में कम से कम नमी बनाए रखें, और खुदाई से 8-10 दिन पूर्व आप सिंचाई बंद कर दें तो आप इससे आप फसल को बचा सकते हैं। उसके बाद बैक्सी ब्राउन है जिसमें कल सलकंद छूने पर चिपचिपा दिखाई देता है और सन स्कैल जैसी व्यवस्था हो जाती है, तो भंडारण में हवा और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से होता है। बोल्टिंग, कभी कभी आप समय पूर्व इसकी रोपाई जल्दी कर देते हैं तो ये तापमान की वजह से उसमें बोल्टिंग होने लगती है, और इसके लिए न्यूनतम ताप 102 डिग्री सेल्सियस एवं छोटे दिनों की आवश्यकता होती है, और पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से कमजोर तने होते हैं और नमी का अभाव होता है तो उस समय भी बोल्टिंग हो जाती है। तो इससे बचाव के लिए है कि आप समय पर इसकी 15 सितंबर के बाद इसकी रोपाई करना प्रारंभ करें और 15 नवंबर तक इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। ये कुछ दिखाया गया, आप ये देख रहे हैं पौधे के ऊपर ये धब्बे पर्पल ब्लॉच के दिखाई दे रहे हैं, ये पीले पीले हो जाते हैं, बाद में ये बैंगनी बैंगनी धब्बे हो जाते हैं, ये प्रारंभ की अवस्था है।
इससे बचाव के लिए आपको मैंने आज जैसा आपको बताया लहसुन 45 या रेडोमिल का छिड़काव करेंगे तो इस पर फसल को बचा सकें। इसमें आप ये देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है किनारे किनारे इसमें सूख रहा है। पंतलोहित एक ये प्रजाति है, इसका सिलेक्शन जर्म प्लांट के द्वारा हुआ है 2001 में, किसानों के लिए अनुमोदित की गई है और इसकी एक कंद का वजन 18 से 20 ग्राम होता है जिसमें 15 से 18 क्लोव्स पाए जाते हैं और इसमें मॉडरेटली पर्पल ब्लॉच के लिए रेजिस्टेंट है और इसकी 175 दिन में खुदाई की जा सकती है और बल्ब या कंदों की पैदावार उपज इसकी 125 से 130 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और ये बहुत अच्छी प्रजाति है, इसको आप उगा सकते हैं। ये इस फसल का फोटोग्राफ दिखाया गया है। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव अथवा कोई प्रश्न हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं। भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एग्री अकादमी को सब्सक्राइब करें।